नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में केवल धर्म की ही नहीं बल्कि कर्म से जुड़ी बातों के बारे में भी ज्ञान दिया गया है। आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। सांसारिक और व्यवहारिक ज्ञान का परम भंडार मानी जाने वाली गीता में इस बात का वर्णन मिलता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को 5 प्रकार के भोजन न करने की सलाह दी थी। इन 5 प्रकार के भोजन को यदि मनुष्य कर ले तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। पहला भोजन भीष्म पितामह ने ऐसे भोजन को कीचड़ के समान बताया है, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर गया हो। गीता के अनुसार ऐसा भोजन नाले में पड़ी कीचड़ के समान होता है, इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि गलती से भी आप घर में भोजन की थाली को लांग गए हो तो बेहतर होगा कि इस भोजन को स्वयं न खाकर जानवरों के लिए डाल दें। दूसरा गलत प्रकार का भोजन उसको बताया गया है, जिस भोजन की थाली में पैर से ठोकर लग गई हो या फिर किसी का पांव लग गया हो, ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप दरिद्र हो सकते हैं। तीसरा भोजन भीष्म पितामह ने बताया है, जिसमें बाल निकल आए, ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं माना जाता है, यह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति जल्द ही कंगाल हो जाता है। चौथे प्रकार का भोजन भीष्म पितामह ने बताया है कि अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो उनका प्रेम एक मद के रूप में उस भोजन में आ जाता है। किसी तीसरे व्यक्ति को उस भोजन में शामिल नहीं होना चाहिए, यह उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है। हालांकि पति और पत्नी के लिए एक ही थाली में भोजन करने से प्यार तो बढ़ता ही है और दोनों के लिए यह भोजन चारों धाम का पुण्य फल प्राप्त करने के समान होता है। बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। जब भी खाना खाएं तो अपनी पुत्री को अपने साथ एक ही थाली में थोड़ा सा हिस्सा जरूर दें। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि किस प्रकार के भोजन आपको नहीं करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।